सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो, बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। रिश्ते चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है भरोसा। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। आज का पंचांग 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 4:44 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 1:27 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 1:27 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मीन राशि 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार, आप वर्तमान समय में सीमित महसूस कर रहे हैं। अभी आप एक नई शुरुआत की खोज में हैं। अपने बाहरी रूप का मेकओवर भी आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकता है, तो परीक्षण करें और मजा लें। इस नए चरण में खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वासी और मजबूत रहें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है। आज उत्साहित और बलशाली महसूस करेंगे, लेकिन अपनी सनक के वास्तविकताओं को न भूलें। आपको अपने कार्यों के परिणामों को सहन करना पड़ सकता है, इसलिए जिम्मेदारी से कार्य करें। सपने तब सच होंगे जब आप उन सपनों को देखेंगे। निकट संबंधों तथा मित्रों के साथ गेट टुगेदर और मनोरंजन में खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। अगर किसी विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बना रही है तो वह अवश्य ही सफल होगी। संतान की किसी उपलब्धि से मन में सुकून और खुशी भी रहेगी। आज के दिन आपके लिए उलझन लेकर आने वाला भी है। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगी, जिस कारण आप परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगी। आप काम को करने में जल्दबाजी ना दिखें और आप संतान के विवाह से संबंधित कोई निर्णय जल्दबाजी में ले सकते हैं। आपके माता पिता यदि आपको किसी काम को लेकर सलाह दे तो आपको उस पर चलना बेहतर रहेगा। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। सावधानियां, कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत कार्यों की ओर प्रेरित हो सकता है। कुछ समय आत्मचिंतन में भी जरूर लगाएं। निवेश संबंधित गतिविधियां फिलहाल स्थगित ही रखें। भाइयों के साथ चल रहे किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज जीवन साथी के परिवार के साथ मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव अपनी लव लाइफ पर ना पड़ने दें। पैसा बढ़ने के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ने लगती है, ऐसे में मोटी तनख्वाह भी कम लगने लगती है। किसी खास को आकर्षित करने के लिए मेकओवर एक अच्छा उपाय है। आपका हसमुख स्वभाव आपको मित्रतापूर्ण और नम्र बनाता है और आपके यही गुण लोगों को आकर्षित करते हैं। आप अपने नए रिश्ते को लेकर खुश और उत्साहित हैं। आपके सितारे यह बता रहे हैं कि आपका यह रिश्ता लंबा चलने वाला है। अपने प्यार का सबूत या आलिंगन अपने साथी को देना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। इस समय आप धन संबंधित मामलों और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अभी आप स्वरोजगार के बारे में भी सोच सकते हैं। सितारे आपके पक्ष में, इसीलिए सफलता मिलेगी, पा सकते हैं। बस अहंकार के दीमक से स्वयं को खोखला ना होने दें। आज का दिन महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। आपका मूड बेहतरीन है, लेकिन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गवाकर इसे अच्छे कार्य में लगाएं। उत्साहित होकर जिम्मेदारियों को ना भूलें। धन योग अभी आपके भाग्य में है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना उचित नहीं रहेगा। शरीर पर सूजन और वजन में आ रहा बदलाव गंभीर हो सकता है, डॉक्टर से उपचार लेना भी जरूरी होगा। सेहत का पूरा ख्याल रखें। सुबह उठकर जॉगिंग पर जाएं या टहल लें और पानी की मात्रा बढ़ा लें। आज का उपाय,
आज अब भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।